के चुनाव पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। 12 जुलाई तक चुनाव पूरा कराने का समय मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। एक जनहित याचिका पर आयोग ने ये प्रार्थना पत्र दिया है। तो खबर में आपको बता रहे हैं किस तरह से चुनाव को लेकर यहां पर मोहलत राज्य निर्वाचन आयोग ने मांगी है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिस पर यहां पर आपको बता दें चुनाव आयोग ने मोहलत मांगी है। चुनाव पूरा कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। 12 जुलाई तक चुनाव पूरा कराने का ये समय मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक, चुनाव पंचायत चुनाव के बाद भी इन चुनावों को लेकर कई सारे सवाल थे, जनहित याचिका दायर की गई जिसके जवाब देते हुए अब यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने और समय मांगा है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की दलील है कि अभी इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि पहले माना जा रहा था कि 15 जून तक चुनाव करा लिए जाएंगे और 22 जून तक रिजल्ट से सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से एक हलफनामा दिया गया है और कहा गया कि 12 जुलाई तक चुनाव संपन्न हो पाएगा। कई जगहों पे अभी जो डीडीसी और बीडीसी के कुछ खाली सीटें हैं उनपे भी चुनाव होना है, बाय इलेक्शन में। साथ ही साथ कोविड के चलते सरकार ने अपनी तैयारियों को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, इस लिहाज से भी समय की मांग की गई है। और हालांकि कहा गया कि 12 जुलाई तक चुनाव करा दिया जाएगा। देखिए, इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डीडीसी बीडीसी के जरिए ही ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होना है, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत बने होते हैं। ऐसे में अगर समय की मांग की गई सरकार की तरफ से तो उसके लिए भी तो अनुमति लेनी पड़ेगी और उसी व्यवस्था के तहत अभी 12 जुलाई तक समय मांगा गया है ताकि चुनाव संपन्न कराए जा सके। अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अगली खबर